नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12X 5G versus Samsung Galaxy A14 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12X 5G में 6.52 इंच जबकि A14 5G में 6.6 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 12X 5G में 3 इंच जबकि A14 5G में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12X 5G में 0.3 इंच जबकि A14 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 12X 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 12X 5G में 188 ग्राम जबकि A14 5G में 201 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 12X 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 12X 5G में इट्स LCD जबकि A14 5G में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12X 5G में 6.72 इंचेस जबकि A14 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12X 5G में 1080x2400px FHD Plus और A14 5G में 1080x2408px FHD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12X 5G में 86.51% जबकि A14 5G में 80.4% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12X 5G में 392 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A14 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12X 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A14 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12X 5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A14 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12X 5G में Mali G57 MC2 जबकि A14 5G में Mali G68 MP2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12X 5G में MediaTek Dimensity 6100 Plus और A14 5G में Samsung Exynos 1330 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12X 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि A14 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 12X 5G में अप टू 2TB जबकि A14 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 12X 5G में Android V14 जबकि A14 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 12X 5G में 2 कलर्स जबकि A14 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
12X 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 14 5G की तो उसमें चार वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 12X 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं Samsung Galaxy A14 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।